हैदराबाद में महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत का मामला बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने राज्य की पुलिस पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि तेलंगाना पुलिस की मानसिकता तो देखिए। उन्होंने प्रियंका के पिता से कहा कि वह किसी के साथ भाग गई होगी। रेखा शर्मा ने कहा, मैं उन अधिकारियों के खिलाफ गंभीर और त्वरित कार्रवाई की उम्मीद करती हूँ जो लापता होने की शिकायत पर कार्रवाई नहीं किए। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने तेलंगाना पुलिस को नोटिस जारी कर दिया है। बता दें कि महिला डॉक्टर के परिवार का आरोप है कि पुलिस तत्परता दिखाती तो उनकी बेटी जिंदा होती। परिवार ने पुलिस पर शुरुआत में टालमटोल करने का आरोप लगाया है। वहीं मृतक डॉक्टर के पिता ने कहा कि दोषियों को तुरंत कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, तभी न्याय मिलेगा। परिजनों ने बताया कि वे कई पुलिस थानों का चक्कर लगाए थे। कई घंटे बाद दो कांस्टेबल को बेटी की तलाश में साथ चलने के लिए दिया गया। परिवार का कहना है कि पुलिस ने शुरू में मदद करने से इनकार कर दिया था और दावा किया कि वह किसी के साथ भाग गई होगी। पीड़िता के पिता ने कहा कि पुलिस मामले को टालती रही। उन्होंने हमें 3 घंटे तक इंतजार करवाया। दो कांस्टेबल मेरी बेटी की तलाश में गए लेकिन असफल रहे। उन्होंने बताया कि जब वे अपने घर के पास थाने में गए, हमें शमशादबाद ग्रामीण पुलिस स्टेशन में जाने को कहा गया क्योंकि पीड़िता का अंतिम लोकेशन टोल प्लाजा उसी के अंतर्गत आता है। इस मामले में पुलिस ने शुक्रवार शाम मुख्य आरोपी समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपियों के खिलाफ निर्भया एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। साइबराबाद पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि आरोपियों के नाम मोहम्मद आरिफ, जोलू शिवा, जोलू नवीन और चिंता कुटा चेन्नई कशुवलू है। इसमें मुख्य आरोपी मोहम्मद आरिफ है। पुलिस ने कहा कि मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट महबूब नगर को सौंप दिया गया है। मुख्यमंत्री के आदेश पर इस पूरे केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेज दिया गया है। मेरा सवाल आप सभी लोगों से है कि आप क्या चाहते हैं, आपके नजरिए से ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए और कैसे इन घटनाओं को रोका जा सकता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी बीच गृह मंत्री की ओर से भी सफाई आ चुकी है। इस पूरी घटना को लेकर तेलंगाना के गृह मंत्री मोहम्मद महमूद अली ने बेतुका बयान दिया था। उन्होंने कहा कि महिला पढ़ी लिखी थी, उसने पुलिस को फोन करने के बजाय अपनी बहन को क्यों फोन किया। हालांकि बयान पर विवाद बढ़ने के बाद उनको सफाई देनी पड़ी। गृह मंत्री मोहम्मद महमूद अली ने सफाई में कहा कि महिला डॉक्टर मेरी बेटी की तरह थी, हम घटना से दुखी हैं, पुलिस अलर्ट है और अपराध को नियंत्रित कर रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसने अपनी बहन को बुलाया और 100 नंबर पर कॉल नहीं किया। अगर वो पुलिस को बुलाती तो शायद बच जाती। इसके अलावा बॉलीवुड जगत की, क्रिकेट जगत की महान महान और बड़ी बड़ी हस्तियों ने भी ट्वीट करके इस पूरी ही घटना पर दुख जाहिर किया है। आपको बताते हैं कि किसने क्या क्या ट्वीट किए हैं। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने इस मुद्दे पर ट्वीट करते हुए लिखा है, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे तमिलनाडु की रोजा या रांची की कानून छात्रा के साथ हुई दुर्घटना, हम समाज के तौर पर असफल होते दिख रहे हैं। दिल दहला देने वाले निर्भया केस को हुए 7 साल हो चुके हैं लेकिन हमारे नैतिकता के कपड़े अब भी तार तार हो रहे हैं, हमें सख्त कानूनों की जरूरत है। अभिषेक बच्चन ने भी ट्वीट किया कि ये कब जाकर रुकेगा। डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के बारे में पढ़कर मन खराब हो गया है। उनके परिवार और करीबी लोगों के लिए प्रार्थना हम लोग कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते और हमें इस तरह नहीं जाना चाहिए। कुछ कदम तो उठाना ही होगा, वो भी बहुत तेजी से। रंगोली ने भी ट्वीट किया। रंगोली के बारे में आपको बता देते हैं कि रंगोली एक्ट्रेस कंगना रनौत की बहन है। उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए दोषियों को जिंदा जलाते हुए सजा देने की मांग की है। उन्होंने लिखा है कि इन राक्षसों को जिंदा जला दिया जाना चाहिए ताकि पूरा देश देख सके। एक डॉक्टर रात की शिफ्ट में इसलिए काम करता है क्योंकि वे जीवन बचा रहे हैं। जान बचाने के बदले किसी की हत्या नहीं होनी चाहिए। इन कसाईयों को तो जिंदा जला देना चाहिए। इसके अलावा फरहान अख्तर और भी बहुत से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने लगातार ट्वीट किए हैं। वहीं सलमान खान ने अपने ट्वीट में लिखा है, ऐसे लोग इंसानी रूप में सबसे घिनौने शैतान हैं। अब समय आ गया है कि निर्भया और प्रियंका जैसे मासूम महिलाओं की हत्या, दर्द और उनकी तकलीफ हम सबको एक जगह लाकर खड़ा करे और ऐसे शैतानों का खात्मा हो, इससे पहले कि कोई और मासूम लड़की इन दरिंदों के चंगुल में फंसे और उनका परिवार इस पीड़ादायी सफर से गुजरे। ये सब खत्म होना चाहिए। बेटी बचाओ सिर्फ एक कैंपेन बनकर नहीं रहना चाहिए। यही वह समय है जब इन राक्षसों को पता चले कि हम सब एक हैं। ईश्वर प्रियंका की आत्मा को शांति प्रदान करे। इसके बाद क्रिकेट जगत से भी महान महान खिलाड़ियों ने ट्वीट करके अपना दुख जाहिर किया। हरभजन सिंह ने ट्वीट किया कि हम सभी को शर्म आनी चाहिए कि हम इन चीजों को फिर से होते हुए देख रहे हैं और फिर से सुखदायक परिवर्तन की बात करते हैं। हम ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त नीति नहीं बना सकते, इन्हें तो पूरे शहर के सामने लटका देना चाहिए जो उदाहरण सेट कर सके।
प्रियंका रेड्डी की तरफ नरेंद्र मोदी सर को भी ध्यान देने की जरूरत है। ये ट्वीट था हरभजन सिंह का। वहीं विराट कोहली ने भी ट्वीट करके दुख जाहिर किया। विराट कोहली ने ट्वीट करके उन आरोपियों को सजाए मौत की मांग की है। विराट कोहली ने अपने ट्वीट में सीधे तौर पर कहा है कि अब समय आ गया है कि हमें एक होकर इन अमानवीय घटनाओं का अंत करना होगा। वहीं फिल्मी जगत में अनुपम खेर, सबाना आजमी जैसे दिग्गज कलाकारों ने भी ट्वीट करके दुख जाहिर किया है। पर सरकार कब जागेगी, कब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन सिर्फ कैंपेन बनकर चलता रहेगा, कब होंगी इस देश की बेटियां सुरक्षित, कब वो घर से बाहर निकलने के बाद खुद को सुरक्षित महसूस करेंगी। मेरा सवाल आप सभी लोगों से है कि आप क्या चाहते हैं, आपके नज़रिए से ऐसे लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए और कैसे इन घटनाओं को रोका जा सकता है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को बहुत शेयर कीजिएगा सभी लोगों के साथ, पूरी दुनिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।